हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आज शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ ये कैट आई मेकअप लुक। इस मेकअप लुक को करना गाइस बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ईजी से सिंपल से स्टेप्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। इस मेकअप लुक को आप कर सकते हो क्रिसमस, न्यू ईयर या फिर लेट नाइट पार्टी में भी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने ये मेकअप लुक कैसे किया है। सो गाइज, मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेस प्राइमर। ये हुडा ब्यूटी का फेस प्राइमर है, इसे मैं लगाकर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। उससे पहले मैं अपना आईज़ का मेकअप कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं अपना फेस का मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए, मैंने प्राइमर लगा लिया है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपनी आईज़ पर ये हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर। जो भी आपको मेरी आईज़ पर हल्की फुल्की पिगमेंटेशन नज़र आ रही है और जो भी डार्क सर्कल्स हैं लाइट से, उसे मैं हाइड करने के लिए इस कंसीलर को लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं लगा लूँगी और अब मैं इसे एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपके पास जिस भी ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स हों गाइज, वो आप यूज़ कर सकते हो। और अब मैं इसे मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी कंसीलर को। इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। और सभी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल दे दूंगी, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और अब मैं, आप ये देख सकते हो, स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर से अपनी आईब्रोज़ को और डिफाइन कर लूँगी, ताकि मेरी आईब्रोज़ और ज़्यादा खूबसूरत दिखें। और इसकी हेल्प से गाइज, आपकी आईब्रोज भी काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अपनी पूरी आईलिड पर लगा लूँगी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। और अब मैं इसी कंसीलर को विंग्ड आईलाइनर की तरह भी लगा लूँगी, ताकि मैं इसके बाद जो भी विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ करूँ वो अच्छे से लग जाए। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से, ये शिमर आई शेडो ले रही हूँ मैं यहाँ पर ग्रे कलर का, और इसे मैंने जहाँ पर कंसीलर अप्लाई किया था उसके ऊपर मैं इसे लगा लूँगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अच्छे से आप अपने अकॉर्डिंगली लगा सकते हो, आपको जो भी शेड पसंद हो वो आप लगा सकते हो। और अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर, और इसे मैं एक स्मॉल पेंसिल ब्रश की हेल्प से इस तरीके से विंग्ड आईलाइनर अपना ड्रॉ करूंगी, देख लीजिए। और आपको जो एक्स्ट्रा कंसीलर नजर आ रहा है उसे मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। गाइज, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे एकदम से नीट एंड क्लीन आईलाइनर लग जाता है आपका। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। आप चाहे तो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम की हेल्प से भी इस मेकअप लुक को कर सकते हो, या फिर जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर जो भी आपके पास फाउंडेशन हो वो भी आप ले सकते हो। और उसे मैं एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। और जब भी फाउंडेशन को अप्लाई करें गाइज, तो नीचे की तरफ ब्लेंड करते हुए अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपके जो भी फेशियल हेयर होते हैं ना, वो भी हाइड हो जाते हैं और अलग सा नहीं दिखता है आपका फेस। अब मैं इसे कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कंटूर करूंगी यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट से, डार्क ब्राउन कलर का शेड लूंगी और उसकी हेल्प से मैं अपने फेस को कंटूर करूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी पैलेट से ब्लश, और मैं डार्क पिंक कलर का ब्लश अप्लाई करूंगी यहाँ पर। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लिप लाइनर, और गाइस मैं यहाँ पर डार्क रेड कलर का लिप शेड अप्लाई करूँगी। आपको जो भी पसंद हो उसके अकॉर्डिंगली आप लगा सकते हो यहाँ पर।
तो मैं अपने इनर कॉर्नर्स में भी हाइलाइटर लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक। और इसके बाद मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी पैलेट से डार्क पिंक कलर का शेड, अपनी लोअर लैश लाइन में इस तरीके से अप्लाई करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ गाइज मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। और हाँ गाइज, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे स्किन केयर, हेयर केयर, DIY, हेल्दी टिप्स, हेयर वॉश एंड डग वीडियो और हैवी ऑयल मसाज, काफ़ी सारे वीडियोज, मेकअप ट्यूटोरियल्स शेयर किए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को क्रिसमस और न्यू ईयर की शुभकामनाएं, और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।